हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वारिश की पाठशाला। आज की पाठशाला में हम देखेंगे कुछ ऐसी जर्नल एंट्री जो क्लास 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज आपके सामने हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ माथुर ब्रदर्स। फर्स्ट है फरवरी 1, मतलब इन्होंने जो माथुर ब्रदर है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करते समय उन्होंने बिजनेस में कैश लगाया 50,000, 4,50,000 चेक से पेमेंट किया एंड 20 लाख का बिल्डिंग लगाया बिजनेस में। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। अभी देखते हैं, पहले एक बार सारे ट्रांजेक्शन को हम ध्यान से समझ लेते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री हम लोग अभी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 and 46,000। यहाँ पे मनोहर लाल से गुड्स परचेज किया गया है, लिस्ट प्राइस इसका था 50,000 and 46,000। यहाँ पे कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है, केवल आप एंट्री कर देंगे गुड्स परचेज करने का। नेक्स्ट है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 फ्रॉम सुशील एंड कंपनी, पेड 60% इमीडिएटली बाई चेक टू अवॉइड 5% डिस्काउंट, या 5% डिस्काउंट जो है ये कैश डिस्काउंट होगा आपका। अब यहां पे देखिए कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही एक साथ आपको मिलेगा, बट इस क्वेश्चन में केवल ये बोल रहा है कि 5% ही कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई बात इसमें नहीं कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। सोल्ड गुड टू किशोर एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर 38,000। इसका मतलब ये हुआ कि किशोर एंड कंपनी को गुड सेल किया गया है, 40,000 वाला जो गुड्स है वो 38,000 में सेल किया गया है। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 एट 20% प्रॉफिट। कनिका कंपनी को 20% प्रॉफिट पे ₹1,00,000 का गुड सेल किया गया है। अलाइन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही एक साथ है, और कनिका एंड कंपनी जो मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, जो कनिका एंड कंपनी है 40% ही पेमेंट कैश में किया है, तो 40% पे ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अब चलिए वन बाय वन हम एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री को हम समझते हैं। देखिए इस एंट्री को देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है स्टार्टेड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 50,000 इन कैश। अब यहां पे देखते हैं हम जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया गया ₹50,000 एंड 4,50,000 का बैंक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि चेक से पेमेंट किया गया, और ₹20,00,000 का वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग की वैल्यू जो है ₹20,00,000 है। इतना सब चीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, तो जो चीजें बिजनेस में आ रही हैं वो होंगी डेबिट, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं। रियल अकाउंट जो होता है उसमें जो भी चीजें बिजनेस में आती हैं वो डेबिट होती हैं, जो जाती हैं वो क्रेडिट होती हैं। अब यहां पे डेबिट क्या, डेबिट तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्रेडिट कौन होगा? माथुर ब्रदर्स। माथुर ब्रदर्स को क्रेडिट किया जाना चाहिए क्योंकि बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन हम माथुर ब्रदर्स को क्रेडिट ना करके यहां पे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि जो भी कुछ फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में वो होता है कैपिटल। इसलिए इन सारी चीजों का मतलब कैश, चेक के जगह हम बैंक अकाउंट का यूज करेंगे, बिल्डिंग, इन तीनों चीजों को डेबिट किया जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे एंट्री हम बनाते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। हमने बताया कैश को, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपीज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,00,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम ऐड कर देते हैं 25,00,000 रुपीज,
ये हुई हमारी पहली एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए इस ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर 46,000। हमने मनोहर लाल से गुड्स परचेज किया। अगर देखा जाए तो मनोहर लाल पर्सनल अकाउंट में आएंगे, गुड्स रियल अकाउंट। और जब भी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो यूज करते हैं परचेजेस अकाउंट। मनोहर लाल पर्सनल अकाउंट में आएंगे, देखिए गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो ये डेबिट होगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। मनोहर लाल जो देने वाले होंगे मतलब गिवर होंगे, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ये क्रेडिट होंगे। अब यहां बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस 50,000 मतलब 50,000 रुपए का गुड्स जो है ये 46,000 में परचेस कर रहे हैं, तो जो एंट्री बनेगी वो 46,000 से बनेगी, 50,000 से नहीं बनेगी। यानी इस एंट्री जो बनाएंगे हम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल 46,000, मतलब गुड्स का जो वैल्यू था 50,000 लिस्ट प्राइस था, बट इन्होंने खरीदा है, इनसे खरीदा है, मनोहर लाल सर ने खरीदा है 46,000 रुपीज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। देखिए इस ट्रांजेक्शन में परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 फ्रॉम सुशील एंड कंपनी पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवॉइड 5% डिस्काउंट। अब यहां पे जो 5% डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। जो 60% पेमेंट किया गया है, जो हमने पेमेंट किया है सुशील एंड कंपनी को, उसी पे 5% डिस्काउंट हमको मिलेगा। चलिए इसका कंपटीशन देखते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए हमने गुड्स परचेस किया ₹1,00,000 परचेस किया। अब यहां पे 60% जो है हमने कैश पेमेंट किया, जो कि चेक से पेमेंट किया 60%। 1,00,000 का 60% आएगा 60,000 रुपीज। अब जो बचा 40,000 रुपीज ये हमने क्रेडिट परचेस किया। क्रेडिट परचेस किससे किया हमने? सुशील एंड कंपनी से। अब जो 60% हमने पेमेंट किया, इस 60% का ही 5% कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा। 5% इसका कैलकुलेट करेंगे हम तो 3,000 रुपीज आएगा। कैसे आएगा? 60,000 इंटू 5/100। अब बचा कितना? 57,000 रुपीज। यानी हमने पेमेंट किया 57,000 रुपीज, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए यूज करेंगे हम बैंक अकाउंट का। डिस्काउंट हमारे लिए फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? देना था 60,000, दे रहे हैं हम 57,000, ये फायदा हुआ। फायदे की चीज क्या होती है? क्रेडिट होती है। किसमें? एज ए नॉमिनल अकाउंट। बैंक कैश का हम पेमेंट कर रहे हैं, एज ए रियल अकाउंट ये होगा। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये कैश बिजनेस से जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। जिन लोगों ने रूल्स नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से रूल्स देख सकते हैं, डिस्काउंट के भी और डेबिट और क्रेडिट के भी। अब यहां सुशील एंड कंपनी से परचेस किया, इन्होंने इतना पेमेंट नहीं दिया, यानी क्रेडिट परचेस हुआ। जब क्रेडिट परचेस हुआ तो क्रेडिट परचेस में ये गिवर होंगे, गिवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरी एंट्री में सुशील एंड कंपनी, बैंक, डिस्काउंट ये होगा क्रेडिट, अब परचेज अकाउंट होगा डेबिट। चलिए अब देखते हैं कैसे हम एंट्री बनाएंगे। अमाउंट आपके सामने है ही, आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। जो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू सुशील एंड कंपनी। यहां पे परचेज में जो अमाउंट होगा वो 1,00,000 रुपीज का होगा, बैंक में 57,000 रुपीज होगा, डिस्काउंट में 3,000 रुपीज होगा, सुशील एंड कंपनी में 40,000 रुपीज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। देखिए इस ट्रांजेक्शन में सोल गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 38,000। यहां पे किशोर एंड कंपनी को हमने गुड्स सेल किया, गुड्स रियल में आएगा,
किशोर एंड कंपनी जो होंगे वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे। किशोर एंड कंपनी एज अ कंपनी है तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, तो लेकिन पर्सनल अकाउंट में होंगे, रूल पे पर्सनल अकाउंट का ही लगेगा। तो जब गुड्स सेल करेंगे तो ये रिसीवर होंगे, रिसीवर डेबिट होगा, गुड्स बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा। और जब भी गुड्स का सेल करते हैं तो हम सेल अकाउंट का यूज करते हैं। तो किशोर एंड कंपनी डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट जो होगा वो 38,000 रुपीज होगा, क्योंकि 40,000 का गुड्स हमने कितने बेचा है, 38,000 में। जो एंट्री हमारी बनेगी वो एंट्री बनेगी किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी सारी चीजों को हम नरेशन में एक्सप्लेन करेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो पूरा प्रॉपर जनरल फॉर्मेट में हम आपको बता देंगे उस चीज को। हम ये अमाउंट होगा 38,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस ट्रांजेक्शन में सोल गुड्स टू कनिका एंड कंपनी, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 एट 20% प्रॉफिट, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहां कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही एक साथ है। और कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। क्वेश्चन में जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ होता है, सबसे पहला काम हम करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, अब कैश डिस्काउंट को उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश पेमेंट पे ही होता है, तो 40% अमाउंट जो है वो पेमेंट किया जा रहा है, तो कैश डिस्काउंट 40% पे ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पे एक नई चीज है कि 20% प्रॉफिट पे सबसे पहले हम निकालते हैं जो कॉस्ट है गुड्स की वो कितनी होगी। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कॉस्टिंग जो है पहले तो 1 लाख रुपए थी, अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट 20% प्रॉफिट। कॉस्ट का 20% कैलकुलेट करते हैं हम, 1 लाख 20/100 ₹20,000। अब इसको हम माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है 1,20,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10%, 10% इसका आएगा ₹12,000। वैल्यू आ गई 1,08,000। मतलब हमने जो कनिका एंड कंपनी को गुड सेल किया वो 1,08,000 रुपए का था, जिसमें से कि 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस है, 5% कैश डिस्काउंट अभी कैलकुलेट करना है। ये 5% कैलकुलेट होगा 40% अमाउंट पे। देखिए टोटल अमाउंट जो गुड्स का आ रहा है 1,08,000 आ रहा है, 1,08,000 में से 40% ही अमाउंट हमको मिलेगा, क्योंकि 40% इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां पे लिखा है ना क्वेश्चन में 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, मतलब कनिका एंड कंपनी ने 40% ही पेमेंट दिया और 60% पेमेंट नहीं दिया, यानी 60% जो होगा वो क्रेडिट सेल होगा। किसको सेल किया गया, कनिका एंड कंपनी को। अब अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,08,000 का 40% 43,200 होगा और 1,08,000 का 60% 64,800 रुपीज होगा। अभी जो 40% अमाउंट इमीडिएटली पेड किया गया है, इसी पे 5% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। 5% डिस्काउंट अब हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी का पहले इसमें से माइनस करेंगे, वो पैसा हमको मिलेगा, तो मिलेगा तो डेबिट वर्ड कम से वो डेबिट होगा। देखते हैं कितना आता है, 2160, मतलब कि 2160 रुपीज डिस्काउंट का हो गया। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे देख रहे थे कितना आता है, 0, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 4014। ये अमाउंट हमको मिलेगा, तो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ये कैश रियल में आएगा, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट होगा। अब यहां पे हम कैश ना लिख के हम लिखेंगे बैंक, क्यों बैंक लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आता है, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो ये लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि हमको लेना था कितना 43,200 रुपीज, लेकिन हमने लिया कितना 41,040 रुपीज, 2160 रुपीज का लॉस होगा,
इसलिए ये डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब इसकी एंट्री हम समझ लेते हैं। अब इसको हमें रिमूव करना होगा, थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, देखते हैं एंट्री हम। जिन लोगों ने रूल्स नहीं देखे हैं या डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रियां नहीं समझे हैं, डिस्काउंट के बारे में नहीं जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या हमने बताया था कि इन सबको डेबिट किया जाएगा, कनिका एंड कंपनी को डेबिट किया जाएगा, बैंक को डेबिट किया जाएगा, डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। कनिका एंड कंपनी डेबिट अमाउंट हो जाएगा 64,800 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट हो जाएगा 41,040 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,160 रुपीज टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में टोटल हम कंप्लीट अमाउंट लिख देंगे 1,08,000 रुपीज। अब यहां पे देखिए 1,08,000 रुपीज का सेल किया गया, जिसमें से कनिका एंड कंपनी को सेल किया गया, इन्होंने इतना पेमेंट नहीं किया, इसने क्रेडिट सेल मान के डेबिट किया गया, इतना पैसा मिल गया इसलिए डेबिट हुआ, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हुआ इसलिए डेबिट हुआ। चलिए अब जितनी भी जनरल एंट्री आज मैं बताया हूं उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में समझ लेते हैं शॉर्ट व्यू में। देखिए आज की जितनी जनरल एंट्री में बताया हूं प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने है, फरवरी 1 से लेकर के 26 तक। आप वीडियो को बैक करके सारी एंट्रियां देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यही प्रॉपर फॉर्मेट में आपको करना होगा। जिन लोगों ने जनरल फॉर्मेट नहीं देखा है वीडियो हमारा, जनरल फॉर्मेट का, डिस्काउंट का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, वाणिज्य की पाठशाला चैनल पे विजिट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से उसको देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।